24R न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सबसे तेज खबर पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जहां एक और योगी सरकार सर्वशिक्षा अभियान के तहत करोड़ों रुपए बहा रही है, तो वहीं उनके मातहत सरकारी अध्यापक बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करते हुए उनसे मजदूरी करा रहे हैं। जी हाँ, ये तस्वीरें आ रही है यूपी के कानपुर के चौबेपुर से, जहां चौबेपुर अमिला के प्राइमरी स्कूल के प्रधानाचार्य संध्या चौधरी मिड डे मील के लिए आया हुआ राशन अवैध तरीके से बच्चों से ऑटो में लोड करवाकर कालाबाजारी करवा रही हैं। यहां स्कूल में पढ़ने आने वाले बच्चों से अवैध रूप से मजदूरी करवाई जाती है। वाणी चौबेपुर अमिला स्थित प्राइमरी स्कूल के प्रधानाचार्य संध्या चौधरी पर आरोप लग रहे हैं कि स्कूल में मिड डे मील के लिए आया हुआ राशन अवैध तरीके से दूसरी जगह सप्लाई किया जा रहा है। फिलहाल अब देखना यह है कि कुर्सी पर बैठे जिम्मेदार अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं। अमिलिया प्राइमरी विद्यालय का मामला आ रहा है प्रधानाचार्य, इनके द्वारा बच्चों से ऑटो लोडर में बोरियां लगवाई गई, बोरियां लगवाने के बाद एक चक्की पर बेची गई मालों की, क्या करना चाहेंगे आप? बाल मजदूरी कराई गई बच्चों से, चोरी से मिड डे मील का राशन बेचा गया। मिड डे मील राशन बढ़ने की हम कल जाँच कराएंगे और जो भी सत्यता साबित हुई, आपके वीडियो से लग रहा है ऐसा हुआ है, सत्ता साबित, निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई की जाएगी। वीडियो में तो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि बाल मजदूरी कराई गई और मिड डे मील का चावल वहाँ से लोड करके, निश्चित रूप से कल जांच करा के निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई की संशोधन।